I make close to six crores. This revenue that I make is from 118 Airbnb properties. How do you do that? ये mostly as a side hustle शुरू होता है कि घर में एक weekend room पड़ा हो. So shifting from side hustle to a mainstream, ऐसा क्यों किया आपने? To make a crore kind of a profit. So I want to understand this whole process of short term rentals or Airbnb. एक property से भी फिर I can make. 6 lakhs annually

बिकॉज इस वीडियो में हमने उदाहन से वो सारी बातें करी हैं विच हेल्प्स हिम मेक सिक्स करोर्स अयर इन रेवेन्यू बाई शॉर्ट टर्म रेंटिंग थ्रू एयरबी एन बी बिफोर स्टार्टिंग दी होल एपिसोड इफ यू आर न्यू ईयर प्लीज प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इवन टूडे नाइंटी सिक्स परसेंट ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियोज आर नॉट सब्सक्राइब्ड गाइज अगर आपको हमारे चैनल पर कभी भी कोई वैल्यू मिली हो कुछ सीखने को मिला हो कुछ पसंद आया हो देन प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन इट मी मैसिवली जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा हमारे गेस्ट्स बड़े होते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन्स बड़ी होती हैं वी कैन टॉक अबाउट डीपर टॉपिक्स हैव मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस एंड हेल्प यू गाइस मोर तो प्लीज प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट मी इन माई जर्नी टू रीच हंड्रेड के इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ्स थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द एपिसोड यू मैंशन की यू मेक फाइव करोड्स एयर इन रेवेन्यू थ्रू एयर बी एन बी सो हाउ डू डू दैट सी एयर बी एन बी एज अट रेंटिंग बिजनेस शॉर्ट टर्म रेंटिंग एज इन जो अपार्टमेंट्स होते हैं या स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं फ्लैट होते हैं इनको हम रेंट आउट करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मतलब एक दिन के लिए दो दिन के लिए पाँच दिन के लिए जो लॉर्ड ऑफ बैक पैकर्स होते हैं लॉड ऑफ टूरिस्ट होते हैं जो आते हैं uh, और ट्रेडिशनल होटल्स के मुकाबले वो एक अपार्टमेंट सेटअप में रहना पसंद करते हैं तो वो हमारे साथ हमारे एयर बी एन बीज बुक करते हैं बैंगलोर में और थ्रू नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स दैट वी होस्ट और दैट वी मैनेज ऑन एयर बी एन बी वी मेक दिस काइंड ऑफ रेवेन्यू और दिस रेवेन्यू दैट आई मेक इज फ्राम हंड्रेड एंड एटीन एयर बी एन बी प्रॉपर्टीज स्प्रेड अक्रॉस बैंगलोर एंड दिस इज अगेन डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट डेकेट नाउ So you are full time into this? Yes, yes. Started this as a side hustle. Okay. Airbnb जो uh, business होता है, ये mostly as a side hustle शुरू होता है कि घर में एक weekend room पड़ा हो या कोई एक extra apartment हो किसी का उसको एक long term rental के अलावा as a short term rental उसको uh, list किया जाए। so It starts as a side hustle, but uh, I also started it as a side hustle. But then I started enjoying it. I started liking the entire process. And then I made it a mainstream business for me. So shifting from side hustle to a mainstream. Why did you do this? Two-three things. One, the first thing is passion. That if you enjoy like any the work, then that the side hustle automatically moves you to automatic main profession. That one the thing. Second thing, it was rewarding. atlab किसी भी साइड हसल को फुल टाइम बिजनेस तभी किया जा सकता है जब वो इक्वली रिवॉर्डिंग हो द द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर पुटिंग इन टू द बिजनेस इज रिवॉर्डिंग यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सैटिस्फैक्शन एज वेल सो बिकॉज इट वॉज रिवॉर्डिंग आई मूव टू अ फुल टाइम हसल थर्ड थिंग वॉज बिकॉज आई लाइक ट्रेवलिंग अलॉट फॉर माई सेल्फ I found there is a synergy between me hosting people on Airbnb versus me traveling getting to you know explore a lot of Airbnbs across the globe and yeah, yeah. Sorry, synergy saath thi this can be a full time business for me so what kind of people live in your Airbnb is it holiday people or working people as well uh uh, tar uh, Airbnb is jaha par hai Bangalore tar we host working professionals uh ओवरऑल शॉर्ट टर्म रेंटल इंडस्ट्री जो है वो बहुत लोकेशन स्पेसिफिक है hmm. मतलब मेरे जिस एरिया में बैंगलोर के मेरे जो एयर बी एन बीस हैं वहाँ ज़्यादा कॉरपोरेट ट्रैवलर्स आते हैं जो कि मे बी दस दिन के लिए कोई रहना चाहता है कोई बीस दिन के लिए आ रहे हैं तो मैं बहुत कॉरपोरेट ट्रैवलर्स uh, को होस्ट करता हूँ बट कुछ हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है जो हॉलीडे डेस्टिनेशन पर है मे बी एक तीस चालीस किलोमीटर अवे फ्राम बेंगलोर

Between twenties or thirties, and they want to start this as an experiment to see if they are even liking this or not. I right. uh, the easiest thing is, aap jis ghar mein rah rahe ho, yadi, if you have a extra room, a spare room in your house, you can put it. You can list it on Airbnb. Oh. Right? If you diy man, imagine two BHKs or three BHKs are staying. Two rooms you can occupy. you one room, you can convert it uh, as a guest accommodation. Oh. List it on Airbnb. Hmm. And start accepting guests. Uh, over a period of time, guests uh, जब आएंगे आप उनको host करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज़ करना पसंद है या नहीं. If you think that it works for you, I think then you can look uh, to do this at a bigger scale, जहाँ पे आप आपकी properties खरीद सकते हैं mm -hmm. uh, and then furnish it and then start putting it. on Airbnb and run it like a proper full-time business. So when you moved from side hustle to a main income stream, so at that time, pe what revenue were you doing? And why did you shift kyun in terms of financial point of view? when I started this as a side hustle, I was making about, I think, close to 6 lakh annually oh. from my side hustle. The property cost was? Around 60 lakh. Oh, yeah, so... दिस इज़ आई एम एम स्पीकिंग अबाउट रेवन्यूज़ के बाद खर्चे अलग hmm. है होते हैं सो दिस इज़ वॉट आई वॉज मेकिंग मुझे लगा कि अगेन आर ओ आई एक पार्ट था बट देन मोर देन दैट आई स्टार्टड लाइकिंग पीपल जो होस्टिंग जो पार्ट है आप ग्लोबल टूरिस्ट uh, को होस्ट करते हो hmm. आपके प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत बहुत डाइवर्स uh, लोगों से मिलना होता है एंड दैट इज दैट इज़ वॉट समथिंग विच आई स्टार्ट इनजॉइंग और इसलिए फिर मैंने उसको मैंने कहा एक प्रॉपर्टी से इफेक्ट आई कैन मेक एनुअली मे बी दस प्रॉपर्टी से मैं साठ लाख बना पाऊंगा और सौ प्रॉपर्टी से बना अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रेंटल्स की क्या करते हैं द प्रॉपर्टी एंड ऑन रेंट रेंटल जितना मुझे

आ, इसमें होता यू है कि आ, आपको यदि मार्केट में अपसाइड हो यदि रेंटल पोटेंशियल ज्यादा हो उस प्रॉपर्टी का तो आप वो इनकैश नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने एक फिक्स रेंटल पे आपके टेनेंट को प्रॉपर्टी दे दी है अब मार्केट यदि बहुत अच्छा है उस एरिया के रेंटल्स बढ़ चुके हैं तो भी आप रेंट नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि आपका एग्रीमेंट है एंड सो शॉर्ट टर्म रेंटल में ये होता है कि जो सीजनैलिटी होती है प्रॉपर्टीज की किस, किसी महीने में आपके प्रॉपर्टी ज्यादा रेंट कमा के देती है जहां पे डिमांड यदि ज्यादा होगी आपके प्रॉपर्टी की उस एरिया में मे किसी महीने में आपके प्रॉपर्टी के पास में कुछ टेक इवेंट हो या कुछ एक बड़ा सा इवेंट हो जहां बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपके प्रॉपर्टी के रेट एस्केलेट होते हैं पर डे या पर नाइट के रेट तो आपका पोटेंशियल टू अर्न इज हायर वेर एज लॉन्ग टर्म रेंटल्स में वो एक लीनियर फैशन में है आप यदि रेसिडेंशियल यूनिट्स में आप तीन परसेंट के करीब uh, कमाते हैं ऑन ईयरली बेसिस एस योर रेंटल यू आप एरबीएनबी में एनी वेयर बिटवीन सिक्स टू नाइन परसेंट विच इज डू टू थ्री एक्स ऑफ योर रेसिडेंशियल रेंटल यूड आप कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज नेट नेट आप मान के चलिए अराउंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट आप uh, एक छोटे स्केल पे इसमें कमा सकते हैं सो इज दैट अ गुड ऑप्शन जी बिल्कुल गुड ऑप्शन देखिए आप अगेन uh, डिपेंड करता है गुड ऑप्शन आप किसके साथ कंपेयर गुड ऑप्शन फॉर मी दिस वॉज अ गुड ऑप्शन जिनको लगता है यार हम इतने गेस्ट से रोज मिल नहीं सकते हैं चेक इन चेकआउट नहीं कर सकते हैं। इतने लोगों से बात नहीं कर सकते हैं उससे अच्छा मैं प्रॉपर्टी खरीदू mm -hmm. एक एग्रीमेंट करके दे दो मुझे yeah. मैंने के एक तारीख को रेंट आ रहा है so the right? so कि अच्छा किसके लिए है और किसके लिए नहीं है राइट देर आर मल्टीपल ऑप्शन रियल इस्टेट में आप कमर्शियल uh, रेंटिंग कर सकते हैं आप रेसिडेंशियल uh, रेंटिंग yeah. कर सकते हैं तो so डिपेंड करता है इफ यू लाइक मीटिंग पीपल इफ यू लाइक होस्टिंग इफ यू लाइक दिस बिजनेस वर्क्स फॉर यू बट देन सेन ऑन एयरबीएनबी so what is a good location for that if it is your first property hmm. then something which is very close to your place of residence is an ideal place ये मैं सजेस्ट करता हूँ ये इसलिए करता हूँ क्योंकि uh, आपकी प्रॉपर्टी यदि आपके घर के पास हुई या आपके ऑफिस uh, के पास हुई hmm. तो आप उस उसपे पर्सनली ध्यान दे सकते हो क्योंकि एयरबीएनबी रिक्वायर्स लॉट ऑफ़ पर्सनल अटेंशन आप गेस्ट से मिलते हो right. आप देखते हो कि आपका फ्लैट या अपार्टमेंट क्लीन हुआ है या नहीं hmm. कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप जाके देखते हो सो इट शुड बी एक्सेसिबल। आप जिस एरिया में रहते हो आप उस एरिया के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो मेट्रो कहाँ है ऑटो कहाँ मिलेगी नियरेस्ट थिएटर कहाँ है एंड एंड सो ऑन वो लोकल एक्सपीरियंस जो है वो गेस्ट को बहुत पसंद आता है वैन यू स्टार्ट रिकमेंडिंग दैम समथिंग कि आप मेरे घर में रह रहे हो या मेरे प्रॉपर्टी में रह रहे हो एंड दिस इज ऑल दिस आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू अराउंड वो चीजें पसंद है तो टू बिगिन विद द आइडियल प्लेस विल बी समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस दैट इज द फर्स्ट थिंग उसके बाद जब आप इसको बिजनेस की तरह करने जाते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन होते हैं कि आप किस टाइप के कस्टमर को सर्विस करना चाहते हो आप कारपोरेट गेस्ट को यदि आप आप केटर करना चाहते हो तो कोई जो टेक पार्क्स होते हैं आपके उसके पास में आपकी प्रॉपर्टी हो या आ, कहीं कहीं किसी सिटीज़ में मेडिकल टूरिज्म तो यह बहुत बड़ा बिजनेस है तो जहाँ बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसके प्लस में आपके रिसर्विस अपार्टमेंट्स हो या आपके एयर बी हो तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो मेडिकल कारण से इंडिया आते हैं या दिल्ली आते हैं या बैंगलोर आते हैं वो लोग वो प्रॉपर्टीज़ बुक कर सकते हैं तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी बदल जाती है आप जब इसको बिजनेस करके देखना शुरू करते हैं तब बहुत सारे लोग गोवा में प्रॉपर्टी खरीदते हैं उनको लगता है कि वेकेशन रेंटल इज समथिंग विच इज बूमिंग राइट नाउ इन इंडिया मैं काफी लोगों से मिलता हूँ जो रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस पे लेते हैं अयोध्या जैसे जगह पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं ताकि वहां पे एयरबीएनबी या होटल या सर्विस अपार्टमेंट शुरू कर पाए तो एट अ लार्जर स्केल Uh, ये डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रैटेजी आपके आपको किस प्रकार के गेस्ट को होस्ट करना है फिर उस एरिया को शॉर्टलिस्ट करके आप वहां पे प्लान करते हैं तो अगर कोई इसको एज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम करना चाहता है तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कैन यू शेयर वॉट डज दी मैथ लुक लाइक फॉर दैट अगेन पैसिव इनकम यदि खुद के घर में करना चाहता है तो वॉट एवर ही और शी इज अर्निंग एज अ पैसिव इनकम इज ऑल टू हिम और हर सेल्फ क्योंकि कोई खर्चे नहीं है खुद के घर में हैविंग सेट दैट यदि कोई पड़ोस का घर रेंट पे लेता है और उसको एयरबीएन पे लिस्ट करता है तो इन दैट केस एक फिक्स रेंटल देना पड़ता है ओनर राइट right? वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसके बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट है कोई एक, एक आप मेड रखोगे एक हाउसकीपिंग वाला एजेंसी रखोगे जो भी है तो जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस एक 20 से 25 परसेंट का मार्जिन सारे खर्चे जाने के बाद आपके पास बचता है hmm. तो जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस ये भी यदि आपको एज अ बिजनेस करना है तो आपको स्केल में करना पड़ेगा hmm. तो ही 20-25 परसेंट विल लुक अट्रैक्टिव टू तो यू राइट आप यदि एक ही घर को लिस्ट करोगे और उसको एयरबिन भी बेचानाओगे तो इट इज मोर ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट मुझे लगता है क्योंकि वाइल यू मेक 25-30 थर्टी परसेंट वॉट

तो सिंस मैं ये लगभग दस साल से कर रहा हूं uh, मेरे पास टीम है पूरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिल्ट माय टीम विच इज विच इज माई कोस्ट विच इज माय केयर हाउसकीपिंग हाउस कीपिंग सुपरवाइजर्स प्रॉपर्टी मैनेजर्स एंड सो ऑन तो बिकॉज एट अ स्केल आपको टीम ही बनानी पड़ती है राइट एंड देन Uh, at the एंड ऑफ द डे द कस्टमर is paying टू स्टे एट योर प्लेस सो द कस्टमर doesn't care कि आपका एक साइड हसल है या आप किस लिए कर रहे हो बिकॉज ही एस पेड ही एक्सपेक्ट्स अ टॉप नॉट सर्विस फ्रॉम यू सो यू नीड गुड पीपल पीपल हु अंडरस्टैंड हॉस्पिटैलिटी टू टेक केयर ऑफ योर गेस्ट सो आज जैसे मैं आपके साथ दिल्ली बैठा हूँ बट बैंगलोर में मेरे एयरबीन में गेस्ट रह रहे हैं राइट सो टू मीट दैम टू

क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इज अ फुल टाइम थिंग राइट तो यदि इसको फुल टाइम बिजनेस करना है तो आ, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है राइट रियल इस्टेट में कैपिटल की बहुत जरूरत होती है राइट right? तो इसलिए ये बहुत सीरियसली लेना पड़ता है ये एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं चलता है ये बिजनेस बिकॉज रियल इस्टेट में सारी मिस्टेक्स यदि कोई करता है तो सारी मिस्टेक्स ये इिवर्सिबल मिस्टेक्स होती है सिंपल ज एक रूम में दो सिंगल बेड्स लगाने हैं या एक क्वीन साइज बेड लगाना है या एक किंग साइज बेड लगाना है इट स्टार्ट बेसिक राइट आपने क्वीन साइज बेड लगा दिया और यू नो योर टारगेट ऑडियंस इज बैचलर्स ऑलवेज सो यू नो यूल इट विल बी अस्टली मिस्टेक फॉर यू आपको वो चेंज करना विल बी अग थिंग फॉर यू तो यदि किसी को इसको फुल टाइम शुरू करना है तो रिसर्च The market. When I say research the market, the easiest thing is book another Airbnb, which is close to you. Meet the host, and you book it. You tell the host that you want to meet him. Meet, understand the way they are doing it. Usually, Airbnb hosts are are pretty much approachable people, mm -hmm. just like me or any other Airbnb host for that matter. अब बात करो कि आप इस एरिया में शुरू करना चाहते हो वॉट आर दुपेंसीज वट आर द चैलेंजेस इन दिस एरिया डज योर सोसाइटी अलाउस यू टू डू इट और नॉट देर आर लॉर्ड ऑफ रेसिडेंशियल सोसाइटीज विच डोंट अलाउ यू टू डू एयर बी एन बीज और शॉर्ट टर्म रेंटल्स सो डोंट गेट इन टू दर सोसाइटीज राइट वंस यू स्पीक विद लाइक माइंडेड पीपल और अदर होस्ट यू विल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस the good part, the bad part about the business, about that area. Mm. And once that is done, I think uh, economics is something that you need to figure it out mm. right? because buying an apartment or taking it on rent from someone, uh, is again a costly affair. Right. purchase mm. Right. So that kind of investment when you are putting दैट कुड बी थ्रू अ बैंक लोन ऑब्वियसली एंड या आप रेंट पे किसी का अपार्टमेंट लेके यदि शुरू कर रहे हो तो मान लीजिए टू बी एच के का एक लगभग पाँच से छः लाख रुपए का आपको इंटीरियर का खर्चा आएगा एक दो लाख रुपए आप एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनर्स को दोगे एंड देन यू स्टार्ट रनिंग द शो तो ये आपको चीज़ें आपके एरिया में जो एयरबीएन होस्ट है hmm. उनसे बात करके ही पता चलेगी

वट एवर मनी एस प्रॉफिट यू आर मेकिंग दैट विल गो टूवर्ड्स राइट सो स्वीट स्पॉट आठ से दस एयरबीएन से शुरू करना चाहिए जो कि आपको एक कंफर्टेबल पोजिशन में लाएगा टू हैव योर स्टाफ डूइंग द कोर्स फॉर यू इज इट एडवाइजेबल कि अगर ऑलरेडी उस लोकेशन में मल्टीपल एयरबीएन बीज हैं वहीं पर आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिर लुक फॉर समे है मुझे लगता है Uh, बहुत पर्सनल कॉल है ये बट uh, जहां एयरबीन चल रहे हैं वहां और एक एयरबीन शुरू करना विल बी अ बेटर थिंग यू क्योंकि एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट है जैसे गोवा फॉर दैट मैटर प्रूवन मार्केट है प्रूवन है। मार्केट है गोवा जैसे हो गया अब गोवा में कोई ये नहीं सोचता है मेरा एयरबीन चलेगा या नहीं राइट उनकी सारी सोच अलग चीजों पे होती है कॉस्टिंग होती है कहाँ से फर्निशिंग आएगा किस किस लोकेलिटी में रहना है किस प्राइसिंग में शुरू करना है वो ये नहीं सोचते हैं कि एयरबीन मेरा चलेगा या नहीं बिकॉज हॉलीडे डेस्टिनेशन है ऑलरेडी प्रूवन मार्केट है तो मुझे लगता है टू बिगिन विद एक प्रूवन मार्केट में शुरू करना बेटर होगा आ, उसके बाद में आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया उस एरिया का कि फिर जाके आप मे बी ऑफ बीट लोकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं बट उसमें भी ऑफ पीट लोकेशन एक्सप्लोर करने में uh, आपने एयरबीएनबी शुरू कर दिया बट hmm. गेस्ट को कैसे पता चलेगा कि यहां पे एक करता है राइट एरिया दोकलिटी शुड बी पॉपुलर इनफ फॉर योर गेस्ट टू सर्च इट ऑन एयरबीएनबी, राइट ओनली वेन द पर्सन सर्चेस इट ऑन एयरबीएनबी योर लिस्टिंग विल पॉप अपट जगह पे भी नहीं शुरू करना चाहिए इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट टू बिगेन विथ यू कैन स्टार्ट इट इन अ क्लस्टर वेर एयरबीएन बीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए मैंने कहा खुद के घर से इसलिए शुरू करना चाहिए बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज राइट बिकॉज यू आर एनी वे स्टेइंग एट योर प्रॉपर्टी सो स्टार्ट विथ योर ओन प्लेस एंड देन कीप एक्सप्लोर आई फाइनली उदायन मोस्ट ऑफ माई ऑर्डियस पीपल हुई राइट सो आई वुड लव टू नो कि वॉट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम इन एनी फील्ड नॉट जस्ट स्टार्टिंग इन एयरबीएन बी इन एनी फील्ड फ्रॉ योर एक्सपीरियंस I think, uh, especially people who are in early twenties, this is the time in your life to explore, uh, earning comes or, or building businesses comes over a, a time. It, it, as I said, it's a long process. So in early twenties, I think you can, you should explore, explore a lot of things instead of, uh, being too early to you know, try to prove yourself to the world because honestly, the world doesn't care on how big or how small you are. Uh, only after exploring a lot of things, after traveling a lot, after meeting a lot of people, after hearing a lot of podcasts, uh, you find your liking towards something. And if you find that, you start doing it. It might happen that something that you felt that you like. After doing it for two, three years, you might feel that this is something which doesn't interest you anymore. Mm -hmm. And then you have to again explore for something new. So the early you do this, the better are your chances to build successful business. Right? So I say explore a lot. Learn a lot in early twenties mm -hmm. instead of trying to, you know, prove yourself to someone. I think I and mean, it's absolutely fine to fail. There's there's no nothing there's nothing negative about. Being you should feel forward. forward. Fail forward, and and I think failure should be celebrated. It's it's not something that uh, one should be afraid of. Uh, any any successful business, for that matter, uh, has failed multiple times to become successful. So I think early 20 should be the time for you to explore, fail quick, build quick, and and see how does it go. Well, thank you so much, Diane, for coming on the studio, sharing your experience, insights, everything. I loved it. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sanskar. It's been my pleasure coming here.